सारा हाल वेला हो चुका है, सारे लोग खा चुके हैं, लेकिन ये वारिस भाई, रजवान भाई और सरदार भाई अभी तक दबा के लगे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि लोग सारे उठ चुके हैं, लेकिन ये बंदा अभी भी लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोइनुद्दीन आप सबको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहता है। ये मेरा पहला व्लॉग है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कांदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग मिलते रहें। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो व्लॉग का तो आपको पता चल गया होगा कि आज है मेरे चाचू की शादी, और मैं आपको ये सारी शादी अपने साथ साथ दिखाऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं शादी में। आज मेहंदी है, आ चुका है हमारा, ये हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा शानी। शानी क्या कर रहे हो? मेरे कज़न है मोहम्मद रिजवान साहब, अब हम खाना खाने आ चुके हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्यों रिजवान साहब, भूख लगी है? और ये शहजाद साहब बैठे हुए हैं, क्यों शहजाद साहब? हाँ जी, तो खाना हमने खा लिया है जी, और अब बारी है तैयार होने की, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है और अब तैयार होना है। तो मिलते हैं जी फिर तैयार हो के। लो जी, लड़का तैयार हो चुका है, बाकी अब दिखाएं कैसा लग रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाओ, ठीक है। और बाकी अभी सारे तैयार हो रहे हैं, फिर रिजवान भाई है अभी इधर तैयार हो रहे हैं। रिजवान भाई तैयारी नहीं हुई आपकी? होगी भाई, होगी। ओके है सब कुछ? ओके है सब। और ये शहजाद भाई आप रेडी हैं? हाँ जी, पक्की बात है। और अब हमारी बारी है मेहंदी लगाने की। मेहंदी में इतना खास मजा नहीं है जी भाई, वो ना ऐसे है कि उनके रिलेटिव में कोई डेथ हो गई है, तो उस वजह से हमारी मेहंदी तो ज़रा ख़राब हो गई है। लेकिन फिर भी ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने चाचा जान को मेहंदी लगाने। और रिजवान साहब जी भाई एंजॉय कर रहे हैं? जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, चलिए। ये सारा ओवर व्यू है जी, चाच से डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है इधर। बाकी चलते हैं जी, चले जी मेहंदी लगाने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, तो आज है जी बारात, और ये है कि बारात पे तो मैं नहीं जा रहा, बारात पे जाएगी अम्मी, और कल वलीमे पे मुलाकात होगी। रात मेहंदी थी, तो मेहंदी पे भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनके रिलेटिव के यहाँ डेथ हो गई थी, सो इस वजह से। बाकी कल वलीमे पे मुलाकात होगी। ये जी मैं बारात पे नहीं गया था, तो अम्मी जान मेरे लिए लेके आई हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें। शाही मेवा, एक टॉफी है, और ये है जी, ये चाचू का नाम है इधर, आफ्ताब सरवर चौधरी, डेट वगैरह प्यारी है माशाल्लाह। और ये देखते हैं जी, खुल जा सिम सिम। लो जी, इसमें कीड़ियाँ, कीड़ियाँ इसे भाई बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम वलीमे पर पहुंच चुके हैं, और वारिस भाई अब गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, और ये मेरे साथ है जी मुनीब भाई। शहजाद भाई आ गया हो यार? सब रेडी हैं माशाल्लाह, आज तो सारे एक एक महीने बाद नहा के आए हैं। वारिस भाई ने तो डेढ़ साल बाद नहाया, ये खुद कह रहे हैं। क्यों वारिस भाई? बिल्कुल डेढ़ साल बाद। आपने भी साल बाद नहाया? चलें जी। और बाकी मैचिंग मैचिंग है वाइट सूट दोनों का, लेकिन वेस्टकोट वारिस भाई की सस्ती है, मेरी थोड़ी सी महंगी है। क्यों वारिस भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब फिर हाल दिखाते हैं आपको, अंदर चलते हैं। चलिए, ये हम अंदर आ गए हैं जी। अब We grew
grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Hey, Lajji, I'm Nahal. We've reached the hall. And with me, my cousin Waris Iqbal is very prepared. We're going to Nahal. We're not going to Nahal. Today, we're going to Nahal. और मुझे लगता है कि हम ना टाइम से पहले आ चुके हैं. अभी इतनी वहाँ नहीं, अब वहाँ लोग आ गए हैं. हम पहले लेट आए थे लेकिन वो लोग अभी शूट किया है. तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये जी जो सिराज साहब बैठे हुए हैं इधर, सिराज साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, ठाक अल्लाह. और ये मनीप साहब मेरे कज़न है, ये तो नज़र ही नहीं आ रहे यार मनीप. क्या हुआ? थोड़ा यार ये शानी बैठा हुआ है. बाकी ये आप हाल देखें, अच्छा लग रहा है हाल. सारी डेकोरेशन आप चेक कर सकते हैं. ये वेटर भाई, आवाम बहुत कम है जी. आवाम कम है अभी लेकिन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता. अभी बोर हो चुके हैं, अब ये बाहर जाने की तैयारी में है. कह रहे हैं बाहर जाना है. चलो यार, किसने किसने जाना है, तो अब हम बाहर जा रहे हैं. लो जी, हमारे थर्ड कज़न रिजवान साहब आ गए हैं आज. ये वैसे लेट हैं यार. आपने इतनी देर क्यों लगाई आने में? यार भाई इधर आ गया था हाल में. अच्छा, और इसलिए इधर लेट हो गया. अच्छा, और ये शानी, शानी क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे. भूख लगी है? कितने की ज़्यादा लगी? ये बंदों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है. अब ये ना खाने का वेट कर रहे हैं. जब खाना आ गया ना फिर ये नज़र नहीं आने. अब ये दोनों खाने का वेट कर रहे हैं. खाने का वेट कर रहे हो ना आप दोनों? वारिस भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. हमारे गाँव के बहुत ही फेमस आब हसैन अखिया साहब, ये जी महफिलों पर जाते हैं. क्या करते हैं आप, निकाबत करते हैं महफिलों पर? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, निकाबत. ये बहुत फेमस हैं दीनी लिहाज से माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है. और जो ड्यूटी लगाई अल्लाह पाक ने वो सर अंजाम देते हैं. और अगर आप में से किसी ने भी कोई भी निकाबत वगैरह करवानी हो किसी महफल पे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बहादुर हैं. पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत हैं जी. ये जी भाई जमील साहब, ये आब हसैन अखिया के कज़न हैं. क्यों जमील साहब? खाना ना स्टार्ट हो गया और वारिस भाई साथ ही खुश होने लग गए हैं. और इनकी खुशी अब बहुत ज्यादा है. ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो इस रात देखे. क्या बात है जी, बहुत खुश तो हो रहा है. कितने दिन हो गए हैं? सिराज साहब की गल करें, 5 दिन तो नहीं खाती. सिराज साहब 5 दिन तो रोटी नहीं खाती? 10-12 दिन. 10-12 दिन हो गए रोटी नहीं खाती बंदे ने. कमाल कर गया जी. अभी सालन नहीं आया. और ये जो बंदा है ना, ये वैसे ही छापर फाड़ फाड़ के ना ये देखे, ये नान खा रहा है. इतनी ज्यादा भूख लगी है यार. हेलो, है मनीप जी? जी बिल्कुल. कितनी भूख लगी है यार? 7 बजे का नाश्ता किया इस बंदे ने यार. खाना आ चुका है जी. सबको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है. ये बंदे ये चेक करें, ये इसकी सफाई को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है. चलो यार शुरू करो आप. सब तो नंबर ले गए हैं सबसे पहले ही. ये जमील भाई, बाकी आपको पूरे हाल में अब हलचल नजर आएगा. हाँ वारिस भाई फुल जोश में जब खाना डालते हुए भाई. ये भाई नंबर लेंगे, वो उधर चेक करें भाई नंबर लेके. शहजाद साहब नंबर ले गए हो? तुम नंबर ले गए तुम? मनीप भाई भी नंबर. वारिस भाई जिंदाबाद, वारिस भाई जिंदाबाद. मेरे लिए भी डाल रहे हो ना?
आज का व्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं। मोइनुद्दीन को दीजिए इजाज़त, बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।